प्रणाम नमस्कार। आप सब लोग शायद अच्छे होंगे और मैं दिल से ईश्वर चरणी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहे, मस्त रहे और मन से शांत रहे। आज मेरा यहाँ आने का दो रीज़न है। एक तो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, जो हम कुछ कर भी सकते, आप जानते हैं मैं एक्शन की बात करता हूँ, दिल बेचारा से रिलेटेड, मुकेश छाबड़ा से रिलेटेड। दूसरा ये है कि अपना महाराष्ट्र सरकार की उलाघाड़ी की चीज़ें जो कोई और नहीं बता रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरा पूरा महाराष्ट्र सरकार की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, इसीलिए इन सब के परते उखाड़ना, क्योंकि आज NIE कांग्रेस के लोगों के पीछे है, ED वगैरह सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज यहाँ पीछे है, और शिवसेना के जितने भी लोग हैं अभी सेफ हो गए हैं क्योंकि सरकार तो नहीं गिराने वाले। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी आगे का इसका प्रोसेस क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हर बार मैं कहता हूँ, पता नहीं क्या आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इतना मोमेंट में, आप जानते हो किसने क्या किया, मैं नहीं बताना चाहता अपने बारे में, आप सब जानते हो मेरे बारे में, लेकिन इतना होने के बाद भी मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को कि सब्सक्राइब करो, ये करो। अभी मैं कुछ दिन से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि नेशनल TV पे नहीं दिखाएगा, तो मुझे जो भी बोलना है या कुछ करना है या कुछ आपसे बोलना है जस्टिस के लिए, जो एक्शन डिमांड करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए मेरे से भी बहुत बड़े बड़े चैनल, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए लोगों के, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं है, शायद गलती थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि अगर ये चैनल बड़ा होगा, इसके सब्सक्राइबर बड़े होंगे, तो हम कोई भी एक्शन लेंगे तो आपको बता सके, आपको पता चल सके कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई भी अगर मैं एक्शन लूँ या कुछ भी करूँ, इनफैक्ट प्रोटेस्ट हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो आपको सीधा सीधा मेरे से डायरेक्ट संपर्क, क्योंकि मैं बहुत अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है कि इतनी जंग इतनी छोटी नहीं है, जितना मुझे समझ में आया है, मेरे नॉलेज में लंबी जाने वाली है। चलिए दूसरी बात मैं वापस से बोलता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड हमेशा उसने मुझे शराब छोड़ने के लिए बोला है, तो मैंने ये चीज़ें छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे सुशांत ने दी है, जिसकी वजह से ये मेरी चीज़ें ज़िंदगी से नशा दूर हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी नशे से नफरत करता था, और इस वजह से मैंने एक नया चैनल चालू किया है, उसको जो लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड रहना है, नशे से दूर रहना है और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड लूप है, अपना फैट लूज करना है और ये सब करना है, वो उस चैनल को ज्वाइन करिए। कुछ एंटरटेनमेंट डांसिंग का अलग चैनल है, उसके लिए करिए, जो इंटरेस्टेड हो वो करे उसमें, नहीं तो इस चैनल को जो सुशांत सिंह राजपूत का मेन चैनल है मेरा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, ताकि हमारा चैनल बड़ा हो तो हमारा प्लेटफॉर्म में हम लोग डायरेक्टली बात कर सके, मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हो सकूँ। दूसरी बात ये है, चलिए पहले बात करता हूँ दिल बेचारा 24 जुलाई को दिल बेचारा को एक साल पूरा हो जाएगा रिलीज होने के बाद, सुशांत के जाने के बाद दिल बेचारा रिलीज हुआ। इसका पूरा पूरा मुकेश छाबड़ा जी को आजकल की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली, 1300 करोड़ रुपये OTT प्लेटफॉर्म पे भी 1300 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू कमाया है। क्या मुकेश छाबड़ा ने उसमें से कुछ भी पैसे दिए फैमिली को? क्या मुकेश छाबड़ा ने उसमें से एटलीस्ट, क्या हम एक 24 जुलाई को एक ऐसा कैंपेन चलाए, क्या हम 24 जुलाई को एक ट्विटर पे ऐसा कोई ट्रेंड चलाए और मुकेश छाबड़ा जी को बोले कि एटलीस्ट उसमें से 50 करोड़ हो या 100 करोड़ हो या जो भी आपसे हो सके, क्या आप नासा के बच्चों के लिए या सुशांत के जो सपने हैं, जो लोगों को डोनेट करना या बच्चों को पढ़ाना है, इसमें कुछ डोनेट कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये आप करोगे तो शायद उन बच्चों की दुआ सुशांत को लगेगी, जस्टिस मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई विल ट्राई ऑल द वे टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो मैं चाहता हूँ आप ये क्यों ना करें, दुआओं से भी असर होता है, दुआओं का ही तो असर है जो इतना केस लंबा आगे चला। मैं इसीलिए कहता हूँ कि करो आप ये ट्रेंड चलाओ, ताकि मुकेश छाबड़ा अगर 1300 करोड़, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, उसमें से अगर 50 करोड़ भी होकर किसी भी डोनेशन में करते या कुछ भी करते, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल वांट टू बिकम अ नासा साइंटिस्ट, वांट टू बिकम एजुकेशन, एटलीस्ट गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर दे या कुछ करें। मैं चाहता हूँ ये ट्रेंड जरूर करें कि 24 जुलाई को दिल बेचारा हो रहा है, इसको एक साल पूरा हो रहा है, और बिकॉज ये तो सब जानते हैं कि दिल बेचारा ने जो पैसे, इतने सारे पैसे कमाए ओनली बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ट्रेंड चलाइए बिल्कुल करिए। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शरद पवार जी मोदी जी को मिले, उसके बारे में क्या एक एक्शन होगा और क्या नहीं होगा, अब मैं आपको बोलता हूँ इसके आगे का एक्शन ये होगा कि मेरे सूत्रों के हिसाब से पूरी खबर मिली है कि अब ये सरकार नहीं गिरने वाली शिवसेना कांग्रेस की, और ये 3 साल बाद BJP अपने तरफ से आने वाली है और इसको सपोर्ट मिलेगा शिवसेना का, और उसके बाद अब जो NIA और ये सब पीछे पड़ी है अनिल देशमुख और इन सब के पीछे, विदिन 15 डेज ये केस अनिल देशमुख और ये सारी चीज़ें, एंटेलिया केस और ये सब चीज़ें, 15 डेज टू 1 मंथ,
रैप अप हो जाएगा, जैसे मोदी जी को मिलते हैं उद्धव ठाकरे साहब, शिवसेना के पीछे से तलवार खत्म हो जाती, तलवार नंगी तलवार जो लटक रही थी वो गायब हो जाती। फिर स्टेटमेंट आते हैं, एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी इसीलिए आते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन जानते हैं कि अच्छा हम भारत पाकिस्तान थोड़ी ना है, हम तो आमिर खान और किरण राव जैसे लोग। ये राजकारणिक पॉलिटिक्स अगर आपको जाननी है महाराष्ट्र की, तो मराठी न्यूज़ चैनल देखिए, मैंने बोला था बहुत सारे पत्रकार हैं मराठी के, बहुत उत्तम पत्रकार जो है मेरे कनेक्शन में, 50 साल से उनका ये है, उनसे डायरेक्ट मेरी बात है। वो अगर फ़ोन करे ना पवार साहब को या फिर ठाकरे को या फिर ठाकरे जी को, ठाकरे सर को या फिर पवार साहब को या फिर कोई भी देवेंद्र फडणवीस जी को, तो नहीं उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो उनसे डायरेक्ट बात होती है और पूरा अंदर का मुझे बताते हैं। सो प्लीज़ आप मराठी न्यूज़ चैनल देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 दिन में ये एंटिलिया केस का पूरा रैपअप हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की हिस्ट्री पता है, जिलेटिन वगैरह जो यूज़ किए गए थे उससे कोई डेथ या बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, वो सिर्फ इसके लिए थे कि धमका दिए, धमका के पैसे निकाल सके, क्योंकि ये बात सच है, मुंबई में डांस बार हो, ड्रग्स का मामला हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो अलग अलग जगह होता है उसका मामला हो, या 50 ऐसे लाखों चीज़ें होती हैं मुंबई में, मेट्रो सिटी और पता नहीं क्या क्या है, और फिल्म वालों से भी पैसे लेते हैं, और ये सब चीज़ें कोरोना की वजह से बंद थी, कम्प्लीटली बंद थी। और सुशांत सिंह राजपूत के ये केस की वजह से एनसीबी और ये सब चीज़ें आ गई, तो पूरा का पूरा रैपअप ही हो गया था सारा मामला। इस वजह से कोई इनकम नहीं थी ना सरकार को, ना पुलिस को, ना किसी चीज़ किसी को भी। तो उन्होंने पुलिस को दौड़ा दिया था कि पैसे लो, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे निकालो, पैसे निकालो, लेकिन पैसे निकालेंगे कहाँ से, लोगों के पास ही पैसे नहीं, और लोग घर के बाहर ही निकलेंगे नहीं तो क्राइम कहाँ से करेंगे, लोग घर के बाहर गाड़ी पे चला ही नहीं जा रहे, तो लोगों के पास ना हेलमेट पहन के जाते हैं लोग, पैसे ही नहीं है तो सेफ्टी रखेंगे। तो इन्होंने अंबानी जी को टारगेट किया और फिर वो फंस गए। अब इसमें कांग्रेस और शिवसेना, एनसीबी और ये सब, एनआईए और ये सब आ गए, और ये फिर बाद में सेटलमेंट के लिए मोदी जी को मिल के अब ये रैपअप हो जाएगा 15 से 1 महीने में, आप देख लीजिए। यही सब कहना है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। मेरे हिसाब से 24 जुलाई को एक कैंपेन चलाना चाहिए, मुकेश छाबड़ा जी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप कम से कम कुछ करिए सुशांत के लिए, कि एटलीस्ट उसका सपना पूरा कीजिए, उसकी फैमिली को दे या ना दे वो उनकी मर्जी है, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन सुशांत का सपना ज़रूर पूरा करें, नासा में कुछ बच्चे भेजे, ऐसा कुछ करें, या फिर और दूसरा ये जो कांग्रेस की और शिवसेना की और बीजेपी की जो है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, इतनी मेरी गारंटी लिख लो, ये सरकार नहीं गिरेगी, ये सरकार जिस दिन इलेक्शन आएगा उस दिन बीजेपी खड़ी हो जाएगी और जीत जाएगी। बहुत लंबा है, पालघर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक, एंटेलिया केस तक, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, प्रदीप शर्मा, जितने पुलिस वालों को मैं जानता हूँ 14 जून 2020 के पहले, उन लोगों से मैंने जो बात की, सबके कोरे चिट्ठे निकले मेरे पास बहुत पहले से था, लेकिन ठीक है, अब मेरे से ज़्यादा तो सीबीआई और वो सब जानती है, लेकिन देखिए आप जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% होगा। सो 24 जुलाई दिल बेचारा के लिए आप वो करिए, एक कैंपेन चलाइए, और ये जो लड़ाली हो रही है उसके लिए प्लीज़ लेटर सेंड कीजिए पीएमओ का। और एक मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड शो करने में, सो डोंट सेंड मी द आइडेंटिटी कार्ड और सब नंबर और सब वट एवर, सिर्फ एक ईमेल आईडी डालिए, और उसमें भी आपको डर लग रहा है आपका ईमेल आईडी बैंक से रिलेटेड है तो मत, नया ईमेल आईडी बना के आप अपना नाम साइन और वो लिख के पीएमओ का लेटर भेजिए। अब तो भेज सकते, अब तो उसमें दिक्कत क्या है आपको, अब तो सिर्फ सुशांत का है, मैं तो उसमें आधार कार्ड भी नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं, तो आप भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, अगर इतना ही आलस आ रहा है आप इतना भी नहीं कर सकते सुशांत के लिए, मेल कर दीजिए। चलिए वापस से मैं आपको 2 दिन देता हूँ, मेल कर दीजिए, राइट, मेल तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई ऑल द वे टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।